यार ये ऐसे में साइड व्यू काफी प्यारा लग रहा है है ना हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय चैनल आई आरती कुशवाहा उम्मीद करूँगी आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिगमेंटेशन को लेके पर उससे पहले थैंक यू सो मच हमारी जो फैमिली है वो वन हंड्रेड के की होगी ये तालिया थैंक यू सो मच यार मतलब मुझे नहीं बिलीव होता है कि यार यहाँ से मैं यहाँ तक पहुंच गई बट आई फील सो हैप्पी अच्छा पिगमेंटेशन को लेके हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पिगमेंटेशन हम किसको कहते हैं तो जैसे कि हमारा जो भी फेस है या फिर बॉडी है जो भी उसका कलर है एज कम्पेयर टू दैट कुछ एरिया पे जो स्किन है वो डार्कर हो जाती है पूरी स्किन से कंपेयर करते हुए तो उसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं एंड ये जरूरी नहीं है कि फेस पे है इवन बॉडी पे भी ये चीज होती है और ऐसा पता है तब होता है जब हमारी बॉडी ना ज्यादा मेरे प्रोड्यूस करने लगती है तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है बिकॉज पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम मुझे भी थी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना ये एंड इवन अभी मैंने फेस पे मेकअप वैसा वाला नहीं किया है कि फाउंडेशन लगाया है मैंने ना हाईलाइटर लिपस्टिक एंड यहाँ पे जो है लाइनर और मस्कारा लगाया है तो अलग से ना मैंने कोई कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया है ना ही कोई फाउंडेशन वगैरह लगाया हुआ है बस यहाँ पे मैंने हाईलाइटर लगाया है जहाँ पे शाइन दिखाई दे रहा होगा अदरवाइज ये जो पूरा एरिया है ना यहाँ पे मैंने कोई भी मेकअप नहीं करा हुआ है आई विल सजेस्ट यू समेक्टिव प्रोडक्ट विच विल हेल्प यू इन डीलिंग विदमेंटेशन गाइज एंड दीज आर फ्रॉम दी वेरी वेल नोन ब्रांड कॉल डरमा टच मेरे पास ना पता है इनके तीन प्रोडक्ट है तो सबसे पहले फेस वॉश है एंड देन क्रीम है एंड उसके बाद सनस्क्रीन बेसिकली डरमा टच प्रोडक्ट आर टेस्टेड एंड मेड क्लिनिकली प्रूवन एक्टिव सबसे पहले ना हम ये डरमा के बाय बाय पिगमेंटेशन फेस वॉश को लेके बात करेंगे ये ना स्किन को काफी अच्छे से एक्सपोलियट करके क्लीन करता है मीन जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना उनको हटाता है एंड यहाँ पे मैं टेक्स्चर भी आपको दिखा दे रही हूँ कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है एंड थोड़ा सा फेस को वेट करके एंड देन हमें इसको यूज करना है मेन बात पता है इसकी क्या है जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है ना स्किन का उसको ये हटाता नहीं है और स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस रखता है इसमें ना नयासिनमाइड है कॉजिक एसिड है ग्लूथाथियोन है जिससे कि इसमें एंटी मेलोजेनिक प्रॉपर्टी आती है जो कि रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन को और जो भी डार्क स्पॉट्स है उनको यूज ट्राइस एड फॉर अ बेटर रिजल्ट सिंपल इवनिंग में आपको इसको यूज करना है। ये बाय पिगमेंटेशन क्रीम को लेके मैं बात करूँ इसके टॉप के लिए ना यहाँ पे नोजर मिल जाता है कुछ इस टाइप से जिसको आप अटैच कर सकते हैं फेस वॉश करने के बाद ना आपको इसका पी साइज अमाउंट लेना है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, है वहाँ पे इसको लगाना है एंड मसाज करना है जब तक ये पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाता इसमें ना लाइन पर्ल है जो की स्किन के कॉम्प्रेक्शन को ईवन करता है मीन्स जो हमारा रियल शेड है उसमें लाता है और साथ ही साथ स्मूथ भी रखता है स्किन को एंड ऑल्सो नियमाइड भी है जो कि पिगमेंटेशन में तो हेल्प करते ही करता है साथ ही साथ सन डैमेज से भी स्किन को बचाता है एंड ऑल्सो इट हैज हाइड्रोसाइट आईरोसिल जो कि स्किन की पिगमेंटेशन को तो कम करेगा ही करेगा साथ ही साथ हाइड्रेट भी रखेगा और स्किन को सॉफ्ट भी रखेगा एंड अगर आपको याद ना हो सो लेट मी टेल यू वन थिंग रिसेंटली मैंने एक वीडियो में आपको इसको रिकमेंड भी किया था जब मैं मेकअप करी थी तब मैंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि मैं इस क्रीम को अभी यूज़ कर रही हूँ एंड आल्सो मैंने इंस्टाग्राम uh, पे भी और uh, कुछ टाइम पहले स्किन केयर रूटीन भी शेयर किया था तो उसमें ना मैंने ये डर्मा टच के इन प्रोडक्ट्स को लेके बात करी थी अगर आपने देखा होगा ना तो आपको ये चीज़ याद होगी कि लिटरली आई एम लविंग दैम मैट लिपस्टिक के बारे में बहुत बात होगी अब हम बात करेंगे मैट सनस्क्रीन के बारे में एक्चुअली <laughs> ये डर्मा टच का ये मैट टच एस पी एफ ट्रिपल प्लस सनस्क्रीन है मैट आफ्टर कम्प्लीटिंग टू स्टेप्स फेस वॉश एंड क्रीम वी विल यूज सनस्क्रीन एंड सनस्क्रीन की जो क्वांटिटी है हम थोड़ी सी ज्यादा लेते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है एंड स्टार्टिंग में जब इसको लगाओ ना तो थोड़ा सा वाइट कास्ट सा दिखाई देता है बट अच्छे से पूरा ब्लेंड करने के बाद थोड़ा देर वेट करने के बाद जो हमारा रियल शेड है ना उसमें ये आ जाता है ये ना स्वेट एंड वाटर रेसिस्टेंट है ऑल्सो इसमें है टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि यू वी एंड यू बी रेस से प्रोटेक्ट करता है ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी है और फाइनेंस फ्री भी एक्चुअली रिसेंटली आप लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि दीदी आप कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो आपको कौन सा पसंद आ रहा है तो ये वाला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है डर्मा टच का एंड इन फ्यूचर भी आप मुझे देखोगे कि मैं ये वाला यूज करती हुई मिलूंगी आपको देखो ये पैकिंग देख रहे हो ना मैंने इसको कितना यूज करा एकदम दब गई है इसकी पैकिंग डिब्बा ट्यूब हुं. और इसकी भी ट्यूब दब गई है और फेस वॉश का थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इतना ज्यादा दबा नहीं है मैंने मतलब अराउंड दस से बारह दिन हो चुका है मैं इनको यूज कर रही हूं मैं सच्ची मैं कह सकती हूं आपको कि आपको ट्राई करना चाहिए मैंने टाइम लिया है इस वीडियो को शूट करने के लिए बट वर्थ था गाय दिस वॉज ऑल अबाउट विस वीडियो होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड जो भी मैंने प्रोडक्ट आपको रिकमेंड किए हैं सबके लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो मेक श्योर यू डू चेक आउट